स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स के ओरिजिन क्या है और टाइप्स क्या है। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स जो होते हैं वो तीन जगह से ओरिजिन होता है उनका, एक तो नर्व से या बोन्स से या ड्यूरल शीथ होता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड का जो शीथ होता है उससे। इनके और दो तीन क्लासिफिकेशन है जिसमें बेनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, प्राइमरी ट्यूमर्स या सेकेंडरी ट्यूमर्स और इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स, एक्स्ट्रा मेडुलरी ट्यूमर्स और एक्स्ट्रा ड्यूरल ट्यूमर्स। सो ये टाइप के ट्यूमर्स देखे गए हैं और अगर वो स्पाइनल कॉर्ड की सेल्स से अराइज हो रहा है तो उनको इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स बोलते हैं। अगर वो स्पाइनल कॉर्ड के जो कवरिंग होते हैं जिसको ड्यूरा मैटर बोलते हैं, वो ड्यूरा से अगर अराइज हो रहा है तो उनको मेनिन्जियोमास नाम दिया है। अगर वो नर्व से अराइज, जो श्वान सेल्स रहते हैं, अगर वो श्वान से अराइज हो रहा है तो उनको श्वानोमास बोला जाता है। अगर वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के एपेंडाइमल सेल से अराइज हो रहा है तो उनको एपेंडाइमोमा बोला जाता है। अगर वो बोनी ट्यूमर्स है तो वो अलग अलग टाइप के कॉर्डोमास रह सकते हैं, ऑस्टियोमास या ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास रह सकते हैं। श्वानोमा हम बहुत बड़े बड़े भी देखे गए हैं जिसमें वो इंट्राड्यूरली भी ग्रो करते हैं, एक्स्ट्राड्यूरली भी ग्रो करते हैं और डिपेंडिंग ऑन क्या लोकेशन पे है वो कितने बड़े हो सकते हैं। अगर उन्हें स्पेस मिल रहा है तो वो मैसिव 5 to 7 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स भी बड़े बड़े देखे गए हैं।